गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कल हम कर रहे थे सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या किया था कि वह जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज की जाती है, जहाँ पर डी या ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से चेंज हो जाती हैं। ठीक है, और सेकंड हमने क्या पढ़ा था कि इन नेगेटिव सेंटेंस। तो देखो, प्रेजेंट टेंस में तो हमने क्या किया था, डू या डज लगाया था, डू नॉट डज नॉट, लेकिन पास्ट में हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट लगाएंगे। थोड़ा सा हमने पढ़ा है कल, क्या लगाएंगे, डिड नॉट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको फिल करके देखते हैं। और एक बात और भी है कि इसमें जो आपकी वर्ब रहेगी वो आपके बेस फॉर्म में ही रहेगी, मीन्स जैसी है वैसी ही लिखनी है वर्ब को। ठीक है, वर्ब चेंज नहीं होगी। तो अब इसमें आगे देखते हैं। सीमा इन द पार्टी, आपके पास वर्ब है डांस। ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी डिड नॉट ऐड करना है। तो सबसे पहले तो डिड नॉट लिखेंगे आगे, देखो ये लिखा हुआ है, उसमें इसके रूट फॉर्म को या बेस फॉर्म को ऐड कर देंगे। तो बेस फॉर्म क्या है इसकी, डांस। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना, एज इट इज़ लिखो इसको। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि उसमें भी हमने प्रेजेंट में भी ये किया था, जब नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव है उसमें वर्ब कि जो बेस फॉर्म है वही फॉर्म में रहेगी, कोई सेकंड फॉर्म नहीं करनी, कोई एस ई एस ई डी डी कुछ नहीं लगाना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, खाली आपको डिड नॉट ऐड करना है। द बॉय, तो यहाँ पर फ्लाई आपकी वर्ब है। देखो सबसे पहले डिड नॉट लिखेंगे, ये मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, डिड नॉट को, और ये फ्लाई हो गया। तो इस तरीके से आपको सब में यही करना है, डिड नॉट सब में लगा दो आगे, और पीछे क्या लगाएंगे, जो वर्ब दी गई है ये एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब चेंज नहीं होती है। ठीक है, बस खाली आपको डिड नॉट लगाना है आगे, और ये मैंने इनकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। डिड नॉट को आप ऐसे लिखते हो ना, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये डिडंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो मैंने इनकी क्या लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको, डिड नॉट लिखना है प्लस उसमें वर्ब ऐड करनी है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, वर्ब तो यहाँ पर भी रहेगी, लेकिन यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क में डिड लगाना है, यहाँ नॉट नहीं आएगा। नॉट किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में खाली डिड लगाना है आपको आगे। ठीक है, कैसे लगाना है देखिए, जैसे ये इससे क्वेश्चन कर रही है। ठीक है, तो डिड यू गो देयर, यहाँ पर आपकी वर्ब रही है गो। ठीक है, वर्ब को हमने एज इट इज रखा, खाली आगे डिड लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है। हेयर इन दीज सेंटेंसेज डिड व्हाट एंड हु आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन। दीज सेंटेंसेज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज एंड दीज सेंटेंसेज एंड विद क्वेश्चन मार्क। मैंने पिछले प्रेजेंट में भी बताया था, जब प्रेजेंट टेंस कर रहे थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा या आपको लगाना पड़ेगा, अगर आप ये नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसमें आगे देखते हैं एक्सरसाइज को। वही है, वही प्रैक्टिस है जो हमारी पहले थी। प्रेजेंट में यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसा उसमें पूछा गया हो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ पर आपका ये अफर्मेटिव में दे दिया, भाई तीन ही तो पढ़े हैं हमने, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल जो सेंटेंसेस होंगे वो अफर्मेटिव में होंगे, तो ये सिंपल सेंटेंस हमें दे दिया अफर्मेटिव में। ठीक है, और एक बात याद रखना, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब रहेगी उसकी सेकंड फॉर्म रहेगी, सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म रहेगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में तो फर्स्ट ही रहेगी। तो यहाँ पर देखो, सेंटेंस है हमारे पास सिंपल, सी स्लैप्ड इन हर रूम, तो ये स्लैप्ड सेकंड फॉर्म है किसकी, स्लिप की, स्लिप स्लैप्ड स्लैप्ड। ठीक
क्या बेटा? स्लीप मतलब सोना, तो स्लीप की सेकंड फॉर्म हो गई स्लैप्ड। आपको क्या करना है, इसको पहले नेगेटिव में बनाओ। नेगेटिव में आपको क्या लगाना था, मैंने आपको क्या बताया है, नेगेटिव में आपको डिड नॉट लगाना है, और जो वर्ब है वो एक्चुअल वर्ब लगानी है, बेस फॉर्म या उसकी रूट फॉर्म लगानी है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव में सी, सबसे पहले सी को लिख दो, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर डिड नॉट लगाना है। पहले डिड नॉट लगाया हमने, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, ये बच्चों इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर। यहाँ पर आपकी स्लिप ही आएगी, जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है, क्या आ जाएगा, स्लिप आएगा, ठीक है। तो स्लिप इट हर रूम, यहाँ पर स्लिप आ जाएगा, स्लिप इन हर रूम। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, आगे डिड लगा दो, ठीक है, पीछे सी एज इट इज़, इसको चेंज करो, इसकी फर्स्ट फॉर्म करो स्लिप इन हर रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आगे देखो, दे डिड नॉट फाइट ऑन द रोड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि डिड नॉट आ गया, तो यहाँ नेगेटिव दे दिया, आपको अफर्मेटिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल में डिड नॉट हट जाएगा, लेकिन जो ये फर्स्ट फॉर्म है ना फाइट, इसकी सेकंड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, सिर्फ अफर्मेटिव में ही वर्ब चेंज होगी, बाकी के दो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है उनमें चेंज नहीं होगी। तो अफर्मेटिव में देखो, दे तो हमारा एज इट इज़ है, डिड नॉट हटा दिया हमने, फाइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउट, ठीक है, फाउट हो गया। फिर ऑन द रोड आपका एज इट इज़ आ जाएगा पीछे, और इसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करना है आपको, डिड, ठीक है, डिड के बाद में डिड लगेगा आगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे, क्वेश्चन सेंटेंस बनाना, क्वेश्चनिंग, तो यहाँ पर डिड आगे लगा दो, दे। अब इसकी जो भी फर्स्ट फॉर्म है वही रहेगी फाइट ऑन द रोड। तो इस तरीके से जो भी पूछा जाए, यहाँ नेगेटिव पूछा गया है डिड नॉट लगा दिया, इंट्रोगेटिव पूछा गया है आगे डिड लगाओ और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन जो सेंटेंस है इनको कंप्लीट करना है। तो आज हमारा सिंपल पास्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में फिर हम सिंपल फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे। बच्चों टेंस आपके ग्रामर का बेस है, ठीक है, तो टेंस आपको अच्छे से आने चाहिए तभी आपको इंग्लिश बोलनी आ सकती है, ठीक है। तो इनको अच्छे से और ध्यान से इनकी, क्योंकि सारे रूल्स इसमें दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है। ओके, थैंक यू।